लाल आंखों वाला खूंखार गुंडा स्वामी जिन्हें सड़क पर मिली थी अग्निपथ। दीपक शिर्के को कितना जानते हैं? बॉलीवुड फिल्मों में विलन के तौर पर अपनी पहचान बना चुके दीपक शिर्के आजकल पर्दे से गायब हैं। इन्होंने सैकड़ों फिल्मों में काम किया है, लेकिन अब कहाँ हैं और कैसे इनका फिल्मी करियर शुरू हुआ, आज हम इन सारी चीजों के बारे में आपको बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। कहाँ है ये बॉलीवुड का खूंखार विलन? अग्निपथ में अन्ना शेट्टी, तो तिरंगा में प्रलयनाथ गुंडास्वामी, ओम में गोठिया, तो टार्जन, द वंडर कार में इंस्पेक्टर संजय शर्मा, ऐसे न जाने कितनी फिल्में और कितने खतरनाक किरदार जिसे निभाया दीपक शिर्के ने। इन्होंने हिंदी और मराठी फिल्मों में खूब काम किया और नाम कमाया, मगर आजकल ये पर्दे से गायब हैं। कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं, आइए जानते हैं। पांच भाई बहनों में सबसे बड़े दीपक शिर्के का जन्म 29 अप्रैल 1957 को मुंबई के मरीन लाइंस इलाके में हुआ था। ये कुल पांच भाई बहन थे जिसमें ये बड़े थे। पढ़ाई इन्होंने एल्फिंस्टन टेक्निकल हाई स्कूल में की थी और यहीं से इन्हें एक्टर बनने का सूझा था, क्योंकि इसी स्कूल के पीछ थिएटर था जहां लोग रिहर्सल किया करते थे। एक दिन वह वहां घूमते घूमते वहां पहुंच गए थे। ऐसे हुई एक्टिंग सफर की शुरुआत। दीपक शिर्के को शुरू से ही एक्टर और इंस्पेक्टर बनना था। 1976 में उन्हें पहला नाटक मिला। मराठी भाषा के उस नाटक का नाम राजमुकुट था। इसमें उनका रोल छोटा था, लेकिन वह खुश थे कि शुरुआत हो गई है। इसके बाद उन्होंने कई नाटक किए। उन्होंने बताया था कि महाराष्ट्र के हर एक इलाके में उन्होंने परफॉर्म किया था। एक्टर बने और पुलिस वाले भी दीपक शिर्के को थिएटर के नाटकों को करने के कारण मराठी फिल्म धड़ाकेबाज मिली। इसके बाद 1986-87 में मराठी शो एक शून्य शून्य यानी 100 में काम किया। ये शो काफी हिट था, भारी संख्या में लोग इसे देखते थे। इसमें इनका दूसरा सपना भी सच हो गया था, क्योंकि इन्हें पुलिस वाले का रोल मिला था। हाथ में लग गया था जैकपॉट। दीपक शिर्के की पहली बॉलीवुड फिल्म गोविंद निहलानी की आक्रोश थी, जिसमें रोल छोटा था, इस कारण ये ज्यादा पहचान में नहीं आए। जैकपॉट तो तब हाथ लगा जब इन्हें अग्निपथ ऑफर हुई। ऐसे मिली थी अमिताभ बच्चन वाली अग्निपथ, जब एक्टर एक शून्य शून्य का शूटिंग कर रहे थे, तभी यश जौहर ने उन्हें देख लिया। उन्होंने उनके पास जाकर कहा कि वह एक मूवी बना रहे हैं जिसमें उनके लिए एक रोल है, अगर वो चाहें तो मुकुल आनंद से मिल सकते हैं। मुकुल आनंद से मुलाकात के बाद दीपक ने फिल्म के लिए हां कही और उस मूवी से देश भर में ये छा गए। दीपक शिर्के को मिली तिरंगा, जहां अग्निपथ में अमिताभ बच्चन के दुश्मन बने थे दीपक शिर्के। वहीं दूसरी मूवी हम में वह एक्टर के पिता के रोल में दिखाई दिए थे और ये मूवी भी मुकुल आनंद ने ही डायरेक्ट की थी। इसके बाद मेहुल कुमार ने इन्हें तिरंगा ऑफर की। दीपक शिर्के को लगा राजकुमार से डर शुरू में, तो राजकुमार के नाम से डर गए थे, और लेकिन सब कुछ सही रहा और मूवी सुपरहिट साबित हुई। राजकुमार ने तो दीपक शिर्के को कॉल भी किया था, उनके काम की तारीफ भी की थी। अब कहां है दीपक शिर्के? दीपक शिर्के आखिरी बार साल 2022 में आई राष्ट्र और 2021 में आई फिल्म ब्लैक मार्केट में देखा गया था। इसके पहले वह 2019 में आई एमएक्स प्लेयर की सीरीज पांडु में नजर आए थे। इसके बाद से वह पर्दे पर नजर नहीं आए। दीपक शिर्के के बारे में कोई खोज खबर नहीं। दीपक शिर्के सोशल मीडिया से एकदम दूर हैं। उनके बारे में ज्यादा जानकारी इंटरनेट पर मौजूद नहीं है। ऐसे में वह अब फिल्में कर रहे हैं या नहीं, इसकी भी कोई खोज खबर नहीं। तो दोस्तों, ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।